So what is the clinical spectrum? It can have cutaneous, the so-called yellow fungus. Gastrointestinal, it can involve your GIT. Patient can present with unexplained gangrene of the gut. This was an earlier concept that is a progressive disease, but it no longer holds true now. The dipole means that it was... Remember, here is the cranial involvement is always through the orbit or the skull base. So this is an old slide from an earlier presentation some years back. This shows immunocompromised. On this first Doctor's Day ever being celebrated in this hospital, my heartfelt gratitude to our worthy chief guest, Professor Syed Tariq Qureshi, who took out time from his busy schedule to grace this occasion. Madhav Qazi Saab, who just delivered a beautiful talk on leukomycosis and definitely enlightened us and the recent advances in leukomycosis. To grace this occasion and who were present over here. I thank all the doctors, all the audience, the senior residents, junior residents, medical officers. Dr. Saab is doing his duty, he is on rounds. Can we have a big round of applause? Dr. Saab is not present. Dr. Shrijan Aziz. Dr. Nighar. Senior Resident Department of OBD. This day is celebrated for some function or something. Basically, this day को हम याद दिलाते हैं अपने जो हमारे जो responsibilities है एक doctor के उसके over उसको मैं वो over उनको उन responsibilities को उनको याद दिलाने के लिए अपनी hardships को याद दिलाने के लिए अपने towards patient की उनकी responsibility क्या है और अपने प्रोफेशन के लिए उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्या रिसेंट मेडिसिन क्या नया आया है, क्या रिसेंट जो नए नए चीज़ें हैं उन पर हमें इन दिन हम पूरा सोच कर करते हैं कि आज हम फिर से एक ये अहद करेंगे कि हम अपने पेशेंट्स के लिए और बेटर करें। दूसरा मेरी इसमें यही मैसेज है कि पेशेंट्स के लिए भी पब्लिक के लिए भी वो भी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज करें, डॉक्टर्स के साथ प्रॉपरली बिहेव करें और डॉक्टर्स को एक ह्यूमन बींग की तरह ही मान लें ताकि आपको पता है कि एक डॉक्टर कितने ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसको डे भी नाइट भी 24/7 हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, बाकी चीज़ें करते हैं, वो अपनी फैमिली के तरफ तवज्जो नहीं दे सकता है। तो उसमें मैं पब्लिक को भी और पेशेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली ध्यान में रखें और डॉक्टर्स भी अपनी सिंसियरिटी और हार्डवर्क अपने पेशेंट्स की तरफ कर दें। लेक्चर जब हमारा आज का जो डॉक्टर्स डे पर था, इसमें हमारे जो पहला लेक्चर था वो आज हमारे ENT प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद काजी ने रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस दे दिया।
दूसरा जो हमारा उसमें था, जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वर्कर्स थे जिन्होंने सेकंड वेव में एक अच्छी काम कर कारकर्दगी की, उनको सराहना करना, उनको अप्रिशिएट करना उनको, क्योंकि आपको पता है अप्रिसिएशन इज द बेस्ट टूल। तो जब आप अप्रिशिएट करोगे किसी के काम को, वो और जज्बात और मेहनत से काम आगे करेगा। बस उनको मेरे यही रिक्वेस्ट है कि पेशेंट की तरफ खास तवज्जो दे। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, इसका ये हमेशा हमेशा जो बड़े नाम के लिए, बड़े पेशेंट आउटपुट इनपुट के लिए माना जाता है, वो बरकरार रखे। थैंक यू सर। पहले से अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारिक कुरैशी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। डॉक्टर्स डे पे तमाम डॉक्टर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कारकर्दगी, उनकी मेहनत, लगन ने हमें चार चांद लगाया। हमने इस कोविड 19 एरा में कितनी मेहनत से पेशेंट्स के साथ खुशी से, खुले दिल से इनकी मावनत की, इनको इलाज किया, जिसका नतीजा है कि आज हम इस दौर पे हैं कि हम रूटीन काम शुरू कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर साहिबान ने अपनी जान पे खिलवाड़ करके अपनी फैमिलीज का परवाह न करते हुए पेशेंट्स की तनादारी की, पेशेंट्स को इलाज किया और इतनी शफक्कत से इलाज किया कि हमारे तमाम मरीज इतने खुश हैं इन डॉक्टर साहिबान की मेहनत से। मैं तमाम इस डॉक्टर्स डे पे तमाम डॉक्टर साहिबान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी अच्छी सेहत रखे, उनकी कामयाबी करे, ताकि हम आने वाले दिन और मुश्किल दिन का हालात का बड़ी सख्ती से मुकाबला करें और फिर से